हेलो दोस्तों, 2009 2009 के अंदर एक ज़बरदस्त मूवी आई थी जिसका नाम था द किंग ऑफ फाइटर्स, जिसको देखने के बाद जो है ना बचपन की याद ताज़ा हो गई। यानी बचपन में सभी लोगों ने जो है ना ये गेम तो ज़रूर खेली होगी, द किंग ऑफ फाइटर। तो दोस्तों आज इसी की मूवी के ऊपर मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये मूवी कैसी है, इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, क्योंकि मैं लाता हूँ रोज़ाना आप लोगों के लिए इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब में आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो दोस्तों अब ये मूवी भी आप लोगों को ईजिली हिंदी डब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि हमें शुरू में दिखाया जाता है माया नाम की करेक्टर को। अब दोस्तों ये माया है या गेम में जो सोनिया थी उसको इसमें माया कहा गया है, क्योंकि जो गेम के अंदर एक कैरेक्टर था जिसको मैं तो आयुरी आयुरी कहता था, मुझे इस गेम के अंदर पता चला कि उसको यूरी कहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग उसको आयुरी कहते थे और कितने लोग उसको यूरी कहते थे। वो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था जिसके बाल बाल होते थे ना, यूवल सा बन जाता था वो, तो उसको यूरी कहते हैं। तो माया नाम की जो लड़की होती है उसके पास जो है ना एक डिवाइस होती है, और उस डिवाइस के अंदर सिग्नल आता है। जब सिग्नल आता है तो उसको यूज़ करना पड़ता है। जब वो यूज़ करते हैं तो दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, दूसरे मल्टीवर्स में। यानी कि इस मूवी के अंदर भी जो है ना मल्टीवर्स का चक्कर है। तो मल्टीवर्स के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रंबल। अब उसके अंदर किंग ऑफ फाइटर के अंदर क्रिजनेल्ड भी होता है, अब इसमें रंबल का नाम लिया गया है। तो बहरहाल वो जो बंदा होता है उसको जो है ना बड़ी जुनून होता है कि भाई मुझे जो है ना किंग ऑफ फाइटर बनना है, मतलब मुझे जो है ना अलग डायमेंशन का अलग मल्टीवर्स के फाइटिंग का किंग बनना है। तो वो क्या करता है, जितने भी दूसरे फाइटर होते हैं उन सबको जो है ना जाके उंगलियां करता है, उन सबको सिग्नल देता है कि भाई आओ मुझसे इस पे लड़ो। वो इसलिए लड़ना चाहता है कि वो सबको मार मार के ना अपने पास जो है ना ताकत करना चाहता है, और जब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर इस मल्टीवर्स पे आके इस मल्टीवर्स के जितने लोग हैं उनके ऊपर जो है ना अपनी हुक्मरानी कर सके। तो मूवी के अंदर दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर दोस्तों जो आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम होता है केओ। तो केओ इसके अंदर होता है, जो केओ का जो बाप होता है उसके पास पावर होती है। तो बस इसके अंदर यही दिखाया गया है कि वो जो रंबल बंदा है उसका इस केओ के बाप से क्या होता है और उसको कैसे मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर एक चीज़ और डिटेल में दिखाई गई है कि जब आप लोगों ने अगर ये गेम खेली होगी किंग ऑफ फाइटर, तो उसमें जो यूरी का कैरेक्टर होता है वो एक तो सही होता है फिर अचानक जो है ना ईवल भी बन जाता है। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि वो ईवल कैसे बनता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इस मूवी की, क्योंकि मैं तो इस गेम का फैन हूँ तो मुझे तो ये जो है ना मूवी बहुत अच्छी लगी। हाँ मूवी की जो डायलॉग वायलॉग है ना वो थोड़े से ऐसे ही है, ऊपर नीचे है, मतलब कोई इतने खास नहीं है, लेकिन जो फाइटिंग वाइटिंग है ना वो चीज़ जो है ना वो आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और मूवी के अंदर एक आधा सीन ऐसा भी है जिसकी वजह से आप घर वालों के साथ मत देखना, बिल्कुल थोड़े से जो है ना कुछ सेकंड के लिए आता है, मतलब वही ओपन वाला सीन तो आप अलग ही देखना। वैसे ओवरऑल जो है वो मूवी अच्छी है, जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा। मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है किंग ऑफ फाइटर के अंदर यूरी। आपका कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें।